नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। घर की एंट्रेंस और उसकी दिशा के छठे वीडियो में। क्या आपको पता है घर की गलत एंट्रेंस से नेगेटिव एनर्जी आपके लिविंग को कैसे इफेक्ट कर सकती है? घर की एंट्रेंस के हर एक दिशा के अपने इफेक्ट्स होते हैं। आज हम बात करेंगे ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आने वाली ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। इस डायरेक्शन के दो जोन E6 और E7 है। पहले बात करते हैं E6 जोन की। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर किसी घर का एंट्रेंस E6 जोन में होता है तो वहां रहने वाले लोगों को अपने कमिटमेंट्स को निभाना मुश्किल हो सकता है और उनकी रिलायबिलिटी पे सवाल उठ सकता है। इस जोन में एंट्रेंस होने से व्यक्ति अपने वादों को पूरा करने में असफल हो सकते हैं और लोगों के नजर में उन पे विश्वास कम हो सकता है। डाउजिंग के टाइम अगर यहाँ नेगेटिव एनर्जी डिटेक्ट होती है तो आपको इसे ब्लॉक करना पड़ेगा। और अगर पॉजिटिव एनर्जी डिटेक्ट होने के बावजूद फैमिली में कमिटमेंट फेलियर जैसे सिम्टम्स दिखते हैं तो भी आपको ये एंट्रेंस ब्लॉक करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पॉजिटिव एनर्जी डिटेक्ट होती है और ऐसे कोई सिम्टम्स भी नहीं मिलते तो इस एंट्रेंस को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, ये एंट्री ऑलरेडी सही है। अब बात करते हैं E7 जोन की। अगर एंट्रेंस E7 में हो तो इससे वहाँ रहने या काम करने वाले लोग दूसरों के प्रति इनसेंसिटिव हो सकते हैं। ये इनसेंसिटिव बिहेवियर एम्पथी की कमी, इमोशनल डिटैचमेंट या दूसरों की फीलिंग्स और नीड्स को कंसिडर ना करने के रूप में दिख सकता है। ऐसे बिहेवियर से पर्सनल रिलेशनशिप्स में टेंशन और घर या वर्क प्लेस में नेगेटिव एटमॉस्फियर बन सकता है। तो अगर यहाँ नेगेटिव एनर्जी डिटेक्ट होती है तो आपको इसे ब्लॉक करना पड़ेगा। और अगर पॉजिटिव एनर्जी डिटेक्ट होने के बावजूद फैमिली में इनसेंसिटिव फेलियर जैसे सिम्टम्स दिखते हैं तो भी आपको ये एंट्रेंस ब्लॉक करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पॉजिटिव एनर्जी डिटेक्ट होती है और ऐसे कोई सिम्टम्स भी नहीं मिलते तो इस एंट्रेंस को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, ये एंट्री ऑलरेडी सही है। वैसे तो मार्केट में इसके कई सॉल्यूशंस अवेलेबल है जैसे कलरफुल टेप्स, स्ट्रिप्स एटसेट्रा, लेकिन ये सॉल्यूशंस आपकी एंट्रेंस का लुक खराब कर देते हैं और कई बार आपको ड्रिल या तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। लेकिन हमारे होते हुए आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन जो ना ज्यादा जगह रोककर अगली भी नहीं दिखता और ना इसे यूज करने के लिए कोई तोड़ फोड़ की जरूरत है, मतलब यूज करना बहुत ही आसान है। प्रेजेंटिंग द वास्तु एंट्रेंस ब्लॉकर। इसे यूज करना बहुत ही इजी है। आपको बस इसे डोर फ्रेम के पास फ्लोर पर प्लेस करना है, राइट हैंड साइड पर, जब आप घर के अंदर से बाहर की तरफ फेस करते हैं, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रोडक्ट पे स्ट्रॉन्ग ग्लू स्टिकर लगा होता है, जिसे बस पील करके डोर फ्रेम के पास अप्लाई कर देना है। कोई ड्रिलिंग, कोई मेस नहीं। और इसका इफेक्ट आप इमीडिएटली वेरीफाई कर सकते हैं अपने स्कैनिंग और डाउजिंग डिवाइसेस से। ये इंश्योर करता है कि नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आ पाएगी। अब आपको अपने घर का एंट्रेंस खराब करने की जरूरत नहीं और ना ही कॉस्टली फ्लोरिंग को ड्रिल करना पड़ेगा। अब चलिए कुछ कॉमन क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको हो सकते हैं। फर्स्ट, कैसे पता चलेगा कि मेरी एंट्रेंस की एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये जानने के लिए आप कोई भी डाउजिंग डिवाइस का यूज कर सकते हैं या फिर एल रोड जैसे एनर्जी डिटेक्टर डिवाइस का यूज कर सकते हैं। सेकंड, क्या वास्तु एंट्रेंस ब्लॉकर को लगाने के बाद कोई मेंटेनेंस की जरूरत होती है? नहीं, इसे लगाने से पहले इसे एनर्जाइज्ड करना पड़ता है, लेकिन आपके लिए हम इसे एनर्जाइज्ड करके ही इसे आपके पास भेजते हैं। इसके बाद आपको इसे लगाने के बाद भूल जाना है। थर्ड, क्या ये प्रोडक्ट किसी भी टाइप के डोर पर यूज किया जा सकता है? जी हाँ, जो कोई एंट्रेंस पर जहाँ डोर है वहाँ अगर नेगेटिव एनर्जी डिटेक्ट होती है वहाँ आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। हर डायरेक्शन के अपने यूनिक इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपको बाकी डायरेक्शंस के बारे में डिटेल में समझना है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सीरीज का छठा वीडियो है और हर वीडियो में हम उस दिशा के ड्रॉबैक क्या क्या होते हैं और नेगेटिव एनर्जी को कैसे ब्लॉक करना है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए कुछ कस्टमर्स के रिव्यूज देखते हैं जिन्होंने वास्तु एंट्रेंस ब्लॉकर यूज करके अपने घर की एनर्जी इम्प्रूव की है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों के घर की एनर्जी पॉजिटिव बनी और उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई।
तो दोस्तों आज ही अपना वास्तु एंट्रेंस ब्लॉकर ऑर्डर करें और अपने घर को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड बनाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके परचेस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।